सुबह मसीह की आवाज आ रही है, सुबह मसीह की आवाज आ रही है। चिड़ियें भी शुक्रगुजारी के गीत गा रही हैं। सुबह मसीह की आ रही है। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। लॉर्ड, वी ब्लेस यू दिस मॉर्निंग। लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर होली नेम। खुदावन, हम तुझे महिमा देते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो। धन्यवाद हो प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। आज के दिन तेरे नाम को ऊंचा करते हैं। लॉर्ड, वी ब्लेस योर नेम। लॉर्ड जीसस, वी ब्लेस योर नेम। ब्लेस योर नेम। लॉर्ड जीसस, वी प्रेज योर नेम। प्रेज योर नेम। वी एग्जॉल यू। लॉर्ड जीसस, वी एग्जॉल यू। हालेलुया। Thank you Jesus. Excuse me. Hallelujah.
थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आज के दिन आपका धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं खुदावंद, आपके नाम को ऊंचा करते हैं लॉर्ड जीसस, तेरे लहू को पुकारते हैं यीशु मसीह, तेरे जिंदा खून को पुकारते हैं, जिंदा खून को, तेरे जिंदा लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, तेरे जिंदा लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, तेरे जिंदा लहू को पुकारते हैं, तेरे जिंदा लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, लहू को पुकारते हैं, तेरे खून की जय जयकार, जलाली खून की जय जयकार, खून की जय जयकार, खून की जय जयकार, जलाली खून की जय जयकार, खून की जय जयकार, हालेलुया, जलाली खून की जय जयकार हो, यीशु मसीह तेरे जलाली खून की जय जयकार हो, हालेलुया, हालेलुया। तेरे जलाली खून की जय जयकार, खून की जय जयकार, यीशु मसीह तेरे जलाली खून को ऊंचा करते हैं, खून को ऊंचा करते हैं, तेरे खून से सने झंडे को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद। यीशु मसीह तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तेरे लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, 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 हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, खुदावन हम तेरी स्तुति गाते हैं आज की सुबह, लॉर्ड जीसस, आई प्रे दैट यू विल स्पीक टू अस थ्रू योर वर्ड दिस मॉर्निंग, and Lord, that your spirit will enable us to enter into adoring the King of glory, worshiping him and extolling his holy name, hallelujah. Holy Spirit, you will enable us to do so. Tera dhanyavaad karte hain, tere naam ki hum mahima karte hain, hallelujah. Yeshu Masih tere jalali naam mein, amen. हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय हो, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम, मैं कुछ दिन ऑनलाइन ही आ सका बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग,
हिमाचल में मीटिंग्स के लिए, जम्मू कश्मीर में मीटिंग्स के लिए, और कुछ मीटिंग हमारी रात के 1-1 बजे तक चली हैं। ऐसे परमेश्वर ने लोगों को पकड़ के तंबू में बिठाया, नोबडी कुड मूव अ मसल। इतना अद्भुत अभिषेक परमेश्वर ने कुछ पिछली मीटिंगों में भेजा। हालेलुया। लोग आधी रात को प्रभु यहोवा के हजूर में रोते रहे, बिलख बिलख के रोते रहे। पासवानों की सभाएं हुई जिसमें पासवान रोते रहे बिलख बिलख के। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि परमेश्वर हमें रेस्टोरेशन के टाइम्स में लेके जा रहा है। एक बेदारी आने वाली है, एक वेव पवित्र आत्मा की आने वाली है, जिसके लिए परमेश्वर का आत्मा हमें तैयार कर रहा है। पवित्रताई की, धार्मिकता की, रास्तबाजी की एक नई वेव पृथ्वी पे परमेश्वर भेजने वाला है, और ये काम परमेश्वर की आत्मा ने शुरू कर दिया है। हालेलुया। इतनी ठंडी के बाद लगभग 12:15 बजे तक रात की मीटिंग चलती रही। जिस तंबू में हम बैठे थे वहां पे गर्मी थी और बाहर भयंकर ठंड, और पास्टर्स का सेमिनार हुआ जिसमें पास्टर लोग बिलक बिलक के रो रहे थे। कुछ ऐसे पुराने पादरी लोग जिनको रोने रोने से कुछ लेना देना नहीं है। खुदावंद का रूह लोगों को तोड़ रहा है। हालेलुया, तोड़ रहा है खुदावंद का रूह। हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, आज मैं कुछ अद्भुत बातें परमेश्वर के वचन में से आपको बताना चाहता हूं। अगर हम वचन में से पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि जब इसराइली लोगों ने मार्च किया और कनान देश को अपने कब्जे में लिया, कनान देश परमेश्वर ने इसराइल की मिरास करके दिया था। यहोवा परमेश्वर ने इसराइल के पैदा होने से पहले, इसराइल अर्थात यकूब अभी पैदा भी नहीं हुआ था कि यहोवा परमेश्वर ने उसके दादा के साथ वाचा बांधी, इब्राहिम के साथ, जिसका नाम अब्राम था, कि ये धरती जहां तक तेरी नजर जाती है, और वो धरती जो है वो इराक के नॉर्दर्न हिस्से तक, ईरान के कुछ हिस्से, सऊदी अरेबिया का कुछ हिस्सा, और सीरिया लेबनान का कुछ हिस्सा, और नॉर्दर्न इजिप्ट, ये सारी धरती यहोवा ने वाचा बांध के दी इसराइल को, इब्राहिम को। लेकिन इसका छोटा सा हिस्सा उन्हें मिला अभी। आपको मालूम, इसराइली लोग जब कनान में आए, यहोशू उनका लीडर था, तो इसराइली लोग कनान की धरती के ऊपर कब्जा ही नहीं कर पाए। यहोवा ने उनसे यह कहा कि तुम जाओ और उन दैंतों को, वहां पे दैंत थे बड़े बड़े, 7 ऐसी जातियां थी भाइयों और बहनों जो कनान में वास करती थी, इन 7 जातियों के अंदर हाइब्रिड खून था, मिक्स्ड ब्लड था, ये प्योर ह्यूमन रेस नहीं थे, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड थे। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में जो स्वर्गदूतों ने, वॉचर ने स्त्रियों के संग संबंध बनाया और ह्यूमन डीएनए को परवर्ट किया, ये उसी की लेगेसी थे ये। अगर आप एक वचन पढ़ेंगे, शायद वो, हाँ, प्रेरितों के काम 13 अध्याय का 19 वचन है, पढ़ लीजिए।
प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स 13:19, वहां पे लिखा है परमेश्वर ने इन सात जातियों का बीज नाश किया स्वयं। अगर आप पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक बुक ऑफ जाशुआ उसका 15 अध्याय, पढ़िए मेरे संग एक वचन, यहोशुआ उसका 15 अध्याय और उसका वचन पढ़ता हूँ आपके लिए मैं, यहोशुआ 15:46 से सुने। ये सारी लिस्ट है यहाँ पे, ये लिस्ट पढ़िएगा आप, लेकिन मैं आपको 46-47 वर्स पढ़ के देता हूँ। इक्रॉन विच इज विद विच इट्स टाउन इट्स विलेजेस फ्रॉम इक्रॉन टू द सी दैट वर बाय द साइड ऑफ एशडॉड विद ऑल द विलेज एशडॉड इट्स टाउन एंड इट्स विलेज गाजा इट्स टाउन एंड इट्स विलेजेस ब्रुक ऑफ इजिप्ट एंड द ग्रेट सी एंड इट्स कोस्ट लाइन। ये सारे वो इलाके यहाँ पे दिए गए हैं। अगर आप पूरा यहाँ 15 अध्याय को 20 वचन से पढ़ेंगे, ये सारे एश्कलोन का एरिया, ये मैं सिर्फ एश्कलोन का एरिया बता रहा हूँ आपको। एश्कलोन के अंदर 5 शहर हैं जो नफलीमों के शहर हैं। ये यहाँ पे जायंट हैं, दैंत हैं, यहाँ पे मिक्स्ड ब्लड शैतानी बीज और मनुष्य के बीज को मिला के यहाँ पे नई ब्रीड तैयार की है। यहाँ पे इन शहरों में जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता था, उस समय जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमन बीइंग तैयार किए जाते थे, सुपर सोल्जर। ये जगह थी देयर वेयर देवर हैचिंग सुपर सोल्जर्स, जो इज़राइल के संग लड़ाई करें, दैंत दानव बड़े बड़े नफलीम, ये उनका गढ़ था। ये आपको मालूम एश्कलोन वो एरिया है। अगर आप पढ़ेंगे सैमुअल की पुस्तक 1 सैमुअल उसका 3-4 अध्याय, जब इसराइल पाप में गिरा, जब इसराइल ने यहोवा को त्यागा, उस समय इसराइल का रूहानी अगुवा है एली, और एली एक अच्छा रूहानी अगुवा नहीं है। जब जब आपको अच्छे आत्मिक अगुए नहीं मिलेंगे, तब तक आपके जीवन का पतन होगा, ये वचन बताता है। जब आपको अच्छे आत्मिक अगुए मिलेंगे, आपके केवल आत्मिक जीवन की ही तरक्की नहीं होगी, आपके भौतिक जीवन की तरक्की होगी, आपके कारोबार में तरक्की होगी, आपकी औलाद ऊंचे मकामों पे पहुंचेगी, आपके जीवन के हर पहलू पे आशीष होगी, जब आपके आपके जीवन में यहोवा परमेश्वर सच्चे अभिषिक्त अगुओं को भेजेगा। हमारे जीवन की कुंजी आत्मिक जीवन में है। आपकी जॉब, आपका बिजनेस, आपका संसारिक जीवन, आपका परिवार, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके जीवन के हर एक पहलू का कनेक्शन है आपके आत्मिक जीवन से। तो एली एक बुरा अगुआ है जो प्रभु के लिए यत्नशील नहीं है, और उसने धीरे धीरे प्रभु को छोड़ा है, और क्या होने लगा है, वो बहुत मोटा हो गया और बीमारियों से शायद जकड़ गया होगा, और उसकी औलाद दुष्ट काम करती है, यहोवा की खोजी नहीं है, और परमेश्वर के आगे चढ़ाए जाने वाली कुर्बानियों को अशुद्ध करते हैं उसके बेटे, और परमेश्वर की हैकल के तंबुओं में ही औरतों के संग गलत काम करते हैं। इसलिए यहोवा परमेश्वर क्या करता है, यहोवा परमेश्वर सजा भेजता है, और फिलिस्ती उनके ऊपर चढ़ के आते हैं और हैकल को तहस नहस करते हैं, इसराइलियों को मारते हैं और परमेश्वर की वाचा के संदूक को लूट के ले जाते हैं। तो 1 सैमुअल 6:16-18 में अगर आप पढ़ेंगे, तो वो अपने देवता के टेंपल में परमेश्वर के आज के संदूक को रखते हैं, दगोन देवता, जो आधा मछली है आधा ह्यूमन है, जैसे कि हमारे देश में ख्वाजा पीर बोलते हैं उसे। लेकिन भाई और बहनों, यहोवा के अहद के संदूक को जब देवता के आगे रखते हैं, सुबह उठ के अपने देवता के द्वार खोल के देखते हैं, तो देवता टुकड़ों में बटा हुआ है, टूट गया है यहोवा के आगे, और यहोवा उन
फलिश्तियों के फोड़े निकाल देता है, फोड़े, और उनके खेतों को चूहे चट कर जाते हैं, उनके खेत खत्म हो जाते हैं। तो फलिश्ती डर जाते हैं, वो बहुत डरते हैं। वो क्या करते हैं, सोने के चूहे बनाते हैं, और वो जो ट्यूमर निकले होते हैं ना, वो ट्यूमर ऐसे गोल गोल सोने के पत्थर बनाते हैं और अहद के संदूक में रख देते हैं, वाचा के संदूक में, और वाचा के संदूक को अपनी हदों से पार कर देते हैं। तो अगर आप पढ़ेंगे ना पहला सैमुअल 16:6-18-19-20 आगे पढ़ेंगे, तो बैत शिमेश के लोग उस अहद के संदूक को देखते हैं और वो मूर्ख लोग हैं। वो परमेश्वर के अहद के संदूक का ढक्कन उठाते हैं और देखना चाहते हैं अंदर क्या है। और प्रभु का वचन बताता है जब वो ढक्कन हटाते हैं तो परमेश्वर का कहर उतर आता है, क्योंकि ढक्कन के ऊपर प्रायश्चित का लहू है जो महायाजक प्रतिवर्ष यौम किप्पुर के दिन उंडेलता है ताकि इसराइली प्रजा के पाप ढांके जाएं। और उस लहू के ऊपर, जो प्रायश्चित का लहू है, जानवर का लहू है, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। परमेश्वर के अहद के संदूक के अंदर देखना बहुत बड़ा खतरा मोल लेना है। लेकिन बैतशिमेश के लोग ये काम करते हैं क्योंकि उन्हें यहोवा का ज्ञान नहीं है, और वो उत्सुकता वश परमेश्वर के अहद के संदूक का ढक्कन उठाते हैं। परमेश्वर के अहद के संदूक के ढक्कन के ऊपर लहू है, तो पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। तो क्या वचन में लिखा है, उसका 19 वचन, पहला सैमुएल 16:19 पढ़ लेंगे। तो वहां पे लिखा है, जब बैतशिमेश के लोगों ने लहू अलग कर दिया और प्रभु को देखने की कोशिश की तो मौत आ गई। 50,070, कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स में कुछ एरर लगती है, ओरिजिनल में 50,070 पीपल डाइड, 50,070 लोग मर गए। बिना लहू के आप परमेश्वर के सन्मुख नहीं जा सकते, बिना खून के, प्रायश्चित के, हमारे में से किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं है, जरूरत नहीं है। कभी अपने आप को इतना पवित्र, इतना धर्मी मत समझिएगा, कभी आपको अपने आप को इतना होली मत समझने लगिएगा कि बिना लहू के यहोवा को अप्रोच करें आप। यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। बैतशिमेश के लोगों ने ब्लड को अलग कर दिया और यहोवा को देखना चाहा, भयानक मौत मिली उन लोगों को। हालेलुया। इट इज डेंजरस टू अप्रोच गॉड बिफोर विदाउट द ब्लड। हालेलुया। फॉर देयर इज नो रिमिशन ऑफ सिन विदाउट द शेडिंग ऑफ ब्लड। देयर इज एब्सोल्यूटली नो रिमिशन ऑफ सिन। हालेलुया। और हम सब सिनफुल हैं। अगर हम कहें कि हमारे में पाप नहीं, तो हम परमेश्वर को झूठा ठहराते हैं। हम अपनी धार्मिकता से परमेश्वर को अप्रोच नहीं कर सकते। हमारे धर्म के सारे काम गले और सड़े चिथड़ों की नहीं है, चिथड़ों की तरह है। हालेलुया। तो भाई और बहनों, ये जो एश्कलोन का एरिया है, यहाँ पे नफलीमों का गढ़ है। असल में पूरे ही इसराइल की धरती के ऊपर नफलीमों का, अनाकीमों का, इन शैतानी प्रजातियों का गढ़ था। ये मिक्स्ड ब्रीड थे, ये प्योर ह्यूमन रेस नहीं थे, मिक्स्ड थे। इनके अंदर शैतानी जायंटों का, दानवों का खून था। और
और वचन में बताया कि प्रभु यहोवा कहता था इन सबको मार डालना है। हालेलुया। मैं पढ़ता हूँ वो वचन आपके लिए, सुनिए। प्रेरितों के काम एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स 13:19 सुने। एंड आफ्टर डिस्ट्रॉइंग 7 नेशंस, ये यहोवा परमेश्वर की बात है। कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? यहोवा। 7 जातियां हैं जिनको यहोवा नाश कर रहा है। 7 नेशंस इन केनन, ही गेव देयर लैंड एज एन इनहेरिटेंस। कितनी कौमें हैं? ये 7 कौमें हैं, हाइब्रिड कौमें हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं, जेनेटिकली म्यूटेट किए गए हैं। ये ओरिजिनल ह्यूमन ब्लड नहीं है। ये बनी इसराइल की मिरास के विरुद्ध में खड़े हैं, इसराइलियों के विरुद्ध में खड़े हैं। सुने, यहोशू की पुस्तक उसका 11 अध्याय, यहोशू 11:21। एंड जाशुआ केम एट दैट टाइम एंड कट ऑफ द एनाकीम फ्रॉम द हिल, फ्रॉम हीब्रोन, फ्रॉम जबीर, फ्रॉम अनाब एंड फ्रॉम ऑल द हिल कंट्री ऑफ जूडा एंड फ्रॉम ऑल द हिल कंट्री ऑफ इजराइल। जाशुआ डिवोटेड देम टू डिस्ट्रक्शन विद इट सिटी। देयर वॉज नन ऑफ द एनाकीम लेफ्ट इन द लैंड ऑफ द पीपल ऑफ इजराइल, ओनली इन गाजा, इन गाथ एंड इन एशडोड डिड सम रिमेन। कहाँ रह रहे हैं? एशकलोन के एरिया में ये रह गए। सो जाशुआ टुक होल लैंड अकॉर्डिंग टू ऑल दैट दैट द लॉर्ड हैड स्पोकन टू मोसेस, एंड जाशुआ गेव इट एज एन इनहेरिटेंस टू इजराइल अकॉर्डिंग टू देयर ट्राइबल अलॉटमेंट, एंड ऑल द लैंड हैड रेस्ट फ्रॉम वॉर। अभी जो लैंड है वो उसमें वॉर नहीं हो रही है, रेस्ट मिल गई है। लेकिन वचन क्या बताता है? वचन बताता है कि एशकलोन का सारा एरिया कॉन्कर नहीं किया यहोशू ने। आपको मालूम आज भी इसराइल में वही मसला है। ये एरिया फिलिस्तीनियों के पास है आज भी, एशकलोन का, गाजा स्ट्रिप्स। आप सुनते होंगे इस जगह आज भी लड़ाई चल रही है। ये फिलिस्तीनियन टेरिटरी है, वहां पे फिलिस्तीनियों का कब्जा है। और वही, यू नो, द सेम एंशंट डीमंस, दोज फॉलन एंटिटीज दैट एम्पावर्ड एशडोड, एशकलोन, दे वर 5 सिटीज ऑफ द जायंट्स। द सेम डेमोनिक एंटिटीज आर empowering the Palestinians, the Hamas and Al-Qaeda and other terrorist agencies. You know, they continue firing rockets against Israel. They still have the seed there. So unless you terminate the seed, the demons will come up over and over and over again. You have to terminate this hybrid seed once and for all. The Lord gave a mandate to Joshua that you must utterly destroy the hybrid seed. You would not allow those giants, Anakims, and their seed, all those giant, you know, Gibrim, Nephilim, all those hybrid nations that dwelt in Israel. The Lord gave a very, very clear mandate to Joshua that you must destroy them all. But they did let some remain in Ashkelon. Ashkelon में वो रह गए, Ashkelon के एरिया में वो आज भी हैं वही। जो जो बदरुए, जो जो डीमन आप अपने जीवन में रहने दोगे, वो बदरुए आपके बेटों को, बेटियों को फेस करनी पड़ेंगी, आपके पोतों को, नातियों को फेस करनी पड़ेंगी। जो जो दुष्ट आत्माएं अपने जीवन में आप रहने दोगे, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी। यही है द सेप्टर ऑफ द हाउस ऑफ जूडा, जिसे बाद में नबी लोग लिखते हैं। ये जो यहां पे ये सीड छोड़ दिया गया, सेप्टर ऑफ ईडन वॉज इन एशकलोन। अगर आप ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे, एशकलोन थोड़े समय के लिए तो यहूदा के अंडर था, लेकिन बाद में इंडिपेंडेंट रहा एशकलोन। ये वो जगह है जहां पे जेनेटिक करप्शन हुई, सेक्सुअल डिफाइलमेंट हुई। आपको एक वचन देना चाहता हूं, पढ़िए एक वचन आप, इजिकियल 28:18। इजिकियल 28 में सबसे पहली डिफाइलमेंट की बात की जा रही है जो हेवन में हुई, जिस डिफाइलमेंट के पीछे हाथ है, जिसे हम हीलियल कहते हैं, जिसको
लैटिन ट्रांसलेशन में ट्रांसलेट किया रोमन कैथोलिक चर्च ने, उसका नाम रखा लूसीफर, लेकिन हिब्रू में उसका उस एंटिटी का नाम जो कि खरबिम है, चरुबिम है, खरब है, उसका असली नाम है हीलियल, हीलियल बेन शखार, जो जहां जो जिसका नाम वहां पे लिखा है इज़ेकियल 28 में, जशाया 14 अध्याय में, हीलियल बेन शखार है वो ओरिजिनल हिब्रू में, जिसको लूसीफर कर दिया। लूसीफर ओरिजिनल टेक्स्ट में नहीं है, लूसीफर जब रोमन कैथोलिक चर्च ने बाइबल को लैटिन में ट्रांसलेट किया, उन्होंने हीलियल को लूसीफर कर दिया, लेकिन उसका नाम है हीलियल बेन शखार, वो शखार का बेटा है। ये शखार कौन है? शखार एक गॉड है, कैनानाइट गॉड, जो मॉर्निंग को कंट्रोल करता है, गॉड हु कंट्रोल्स द मॉर्निंग, उसका बेटा है। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर मानते हैं कि लूसीफर या हीलियल असल में हाइब्रिड है, बिकॉज ही इज कॉल्ड बेन शखार, डॉन का बेटा, इज सन ऑफ द डॉन। हालेलुया। तो भाई और बहनों, बहुत डीप है कलाम। हालेलुया। तो ये डिफाइलमेंट जो है इज़ेकियल 28:18 में हिब्रू वर्ड है, जिसका मतलब है कि लूसीफर ने डिफाइल किया है, और ये हिब्रू वर्ड है H2490, ये हिब्रू वर्ड है शलाल, यू डिफाइल, तुमने डिफाइल किया है वन को। और आपको मालूम ये जो वर्ड है शलाल H2490, ये वर्ड असल में सेक्सुअल डिफाइलमेंट को दिखाता है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्त जेनेसिस 49 वर्स नंबर 4, जेनेसिस 49:4, यहां पे रूबेन के विषय में लिखा है, रूबेन, क्या लिखा रूबेन के विषय में, अनस्टेबल एज वाटर यू शैल नॉट हैव प्री एमिनेंस बिकॉज यू वेंट अप टू फादर्स बेड देन यू डिफाइल्ड इट ही वेंट अप टू माई काउच। रूबेन अपने बाप की कंक्यूबाइन के संग सेक्सुअल इमोरालिटी करता है, ये इंसेस्ट है, फॉर्म ऑफ इंसेस्ट, सेक्सुअल इमोरालिटी, ये वर्शिप का हिस्सा थी कनानी लोगों की। जो कैनानाइट लोग थे वो सेक्सुअल इमोरालिटी करते थे टेंपल में जाके, छोटी लड़कियों के साथ भी और किसी भी किस्म की औरत के साथ, और फिर अपने देवताओं को पूजते थे कनानी लोग। और टेंपल्स के अंदर सेक्सुअल प्रोस्टिट्यूट होती थी, दे वुड ग्रेटिफाई पीपल विद सेक्स एंड दे वुड हैव नो क्लोथ ऑन देयर बॉडी, एंड सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन वॉज काइंड ऑफ अ एक्ट ऑफ वर्शिप। और ये है, अगर आप पढ़ेंगे, शैतानी हाउस ऑफ ईडन है ये, शैतानी हाउस ऑफ ईडन, इज़ेकियल 28:12-14 पढ़ेंगे, ये शैतानी हाउस ऑफ ईडन है जो सेक्सुअल परवर्जन को लेके आ रहा है, और वही एश्कलोन के एरिया के 5 सिटीज के अंदर ये शैतानी पूजा है। आपको मालूम हेरोदेस जो राजा था, उसका जन्म जो था वो एश्कलोन में हुआ, वो यहूदी नहीं था, वो इसाऊ के खानदान में से पैदा हुआ, और इसाऊ की लाइन में से क्या निकला है, इसाऊ की लाइन में से भी शैतानी बीज निकला है, क्योंकि इसाऊ ने इश्माइल की बेटियों के संग शादी की, कनानी औरतों के संग शादी की। इसाओ ने ये देखा, जब जो बरकतें थी वो जेकब को मिल गई, और इसहाक ने अपने बेटे जेकब से कहा कि तुम कनानियों की, हित्तियों की, फरीजियों की, जबूसियों की, गिरगशाइटों की, मिस्रियों की, इनकी लड़कियों से कभी शादी मत करना। तो इसाओ को पता लगा कि मेरे पिता को ये जो जातियां हैं हाइब्रिड, शैतानी जातियां हैं जिनके अंदर नफलीमों का, शैतानों का बीज है, इन जातियों की औरतों से मेरे पिता को नफरत है। तो उसने वही काम किया जिससे उसके पिता का दिल दुखे, उसने उन्हीं औरतों के संग शादी की इसाओ ने, लेकिन याकूब ने ऐसा नहीं किया। याकूब ने अपनी प्रोजनी को, अपनी फ्यूचर जनरेशन को, अपनी आने वाली जनरेशन को प्रिजर्व किया,
और वो चला गया अपने मामा के घर, वहां से वो लिया और रेचल से शादी करता है ताकि मसीहा जगत में आए, जो होली सीड है, पवित्र बीज है, वो प्रिजर्व किया जाए, पवित्र लाइन को सिक्योर किया जाए ताकि शैतान पवित्र बीज के अंदर अपना बीज ना डाल जाए। भाई और बहनों, शैतान हमेशा हाइब्रिडाइजेशन करता है, शैतान को हाइब्रिड करना ही पसंद है। वचन में लिखा, प्रभु कहते हैं, बीज बोने वाला जो था उसने अच्छा बीज बोया भूमि में, जब रात को वो सो गया तो शत्रु आया। आपको मालूम वहां पे जो ओरिजिनल ग्रीक वर्ड है उसका मतलब क्या है? जो बीज, अच्छा बीज बोया गया था, उस बीज के ऊपर उसने शैतानी बीज बोया है। समझते हैं आप क्या मतलब है? उसने असली बीज के अंदर जो है शैतानी बीज डाला है, सुपर इम्पोज किया है। अभी शैतान ने क्या किया? कलीसिया के अंदर झूठी शिक्षाएं भेजी हैं, जो यहोवा का असली बीज था उस बीज सुपर इम्पोज करना, जो ग्रीक वर्ड है उसका मतलब है सुपर इम्पोज करना, उसने शैतानी बीज को उस बीज के ऊपर डाला है ताकि जेनेटिक जो जेनेटिक कोड है असली बीज के अंदर उसे चेंज किया जाए। यहोवा के कलाम में जेनेटिक कोड है, यहोवा का, यहोवा के कलाम के अंदर इंफॉर्मेशन है हेवन की, यहोवा के कलाम, यहोवा के बीज के अंदर आरएनए है स्वर्ग का, यहोवा का जो बीज है उसके अंदर सारी हेवनली टेक्नोलॉजी है, यहोवा के बीज के अंदर प्रोमिसेस हैं, वायदे हैं, करार हैं, यहोवा के बीज के अंदर चंगाई है, हीलिंग है, छुटकारा है, यहोवा के बीज के अंदर अनंत जीवन है, यहोवा के बीज के अंदर रोशनी है, आनंद है, धार्मिकता है, राइचसनेस है, यहोवा के बीज के अंदर अनंत छुटकारा है, यहोवा के बीज के अंदर स्वर्गीय बरकतें छिपी हुई हैं। उस जेनेटिक कोड को शैतान उस बीज के अंदर अपना बीज घुसेड़ता है ताकि यहोवा के बीज को जेनेटिकली मॉडिफाई करे, आपके आरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन डाले। इसलिए 19 सेंचुरी की फॉल्स टीचिंग जो चर्च की थी, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें अफ्रीका का बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें ब्रिटेन का भी बहुत बड़ा योगदान है, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स मिनिस्ट्री, फॉल्स बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां खड़ी हुई, इन मिनिस्ट्रियों की फॉल्स टीचिंग के कारण ये सजा आ रही है पृथ्वी पे। इन्होंने परमेश्वर के कलाम को तोड़ा और मरोड़ा है, ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने की कोशिश की है यहोवा के जिंदा कलाम ने। जब जब यहोवा के कलाम को तोड़ा और मरोड़ा जाता है तब तक सजा आती है पृथ्वी के ऊपर। हालेलुया। हेरोड ज्यूइश है लेकिन ज्यूइश नहीं है, क्योंकि हाइब्रिड है, वो ईसाओ का बीज है और इसराइलियों को सताने के लिए आता है, मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए आता है। हेरोड नफलीमों का बीज है, शैतान का बीज है। हालेलुया। हिस्ट्री पढ़ें आप बाइबल की पूरी, आपको सब कुछ समझ आएगा कैसे इदोमाइट लीडरशिप, जो सेप्टर है वचन में वायदा था, सेप्टर शैल नॉट बी टेकन अवे फ्रॉम जूडा, यहूदा से राजदंड कभी लिया नहीं जाएगा, लेकिन अब राजदंड किसके हाथ में आ गया है? जब हेरोदेस राजा बना बैठा है, अदोमियों के हाथ में। अदोमियों की ब्लड लाइन जो है हाइब्रिड है, शैतानी ब्लड लाइन है। अगर आप पढ़ेंगे ना, जोसीफस की पुस्तक है, जोसीफस की पुस्तक एंटीक्विटी बुक नंबर 1, उसका पेज नंबर 314 पढ़िए, वहां पे लिखा है, हेरोड ओवरटुक अवेंज्ड हिज एनिमीज एंड फारसीज वर वेरी हैप्पी विद हेरोड बिकॉज फारसीज वर सोइंग फॉल्स सीड। फरीसियों के अंदर शैतानी बीज था, फरीसी बड़े खुश थे हेरोड से, और देयर वाज अ लीग मेड बिटवीन देम, उन दोनों ने समझौता किया आपस में, एंड दिस जो ये लीग बनाई ना फरीसियों ने हेरोदेस के साथ, इससे एक पॉलिटिकल पार्टी पैदा हुई जिसे हेरोडियन कहा गया, जो प्रो हेरोड थे, प्रो हेरोड लोग, जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल अलायंस बना हेरोडियन का, और एक बंदा था जिसका नाम था एंथनी, एंथनी बहुत फेमस बंदा था, फरीसियों ने मिलके एक अलायंस बनाया। और आपको मालूम हेरोदेस
जो कि एक राजा था, वो जूश भी नहीं था, वो पपेट था रोमन्स का, उसके पास अथॉरिटी थी, वो हाई प्रीस्ट को चुनता था इसराइल में, यरूशलेम की टेंपल में हाई प्रीस्ट वो चुनता था। अगर आप इसकी बुक का पेज नंबर 316 पढ़ेंगे तो जोसेफस लिखता है अरिस्टोबुलस के विषय में। अरिस्टोबुलस हाई प्रीस्ट है और वो लिखता है कि ना केवल टेंपल को कंट्रोल करता था हेरोड, क्योंकि टेंपल में बहुत सा पैसा आता है, बहुत सी मनी है टेंपल में, ना केवल वो टेंपल को कंट्रोल करता है बल्कि सेनहीड्रन को भी कंट्रोल करता है। सेनहीड्रन जूश लोगों की एक काउंसिल है जहाँ से सारे कौम के लिए फैसले लिए जाते हैं, वो उसे भी कंट्रोल करता है। और लीडरशिप जो है इतनी भ्रष्ट है, फरीसियों और सदूकियों की पल्यूटेड लीडरशिप है, रॉटन लीडरशिप। एक डॉक्यूमेंट है, उसका नाम है डमेस्कस डॉक्यूमेंट, वो बताता है कि फरीसी, सदूकी, पुरोहित और जितने अन्य वहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप थे, रिलीजियस ग्रुप, वो इतने भ्रष्ट थे, इतने गंदे थे, सियासत की गंदगी और दलदल में गिरे हुए थे वो बुरी तरह। इडोमाइट और फारसी दोनों एक ही बन गए थे। हालेलुया। और यरूशलम करप्शन का घर बन गया, यरूशलम की टेंपल करप्शन का घर बन गई, यरूशलम की लीडरशिप फरीसियों की, सदूकियों की, टेंपल के प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, लीवाइट्स सब बुरी तरह से करप्ट हो गए थे। हालेलुया। 130 पेज पे जोसीफस लिखता है ग्रेट मैन हैव गॉन अस्ट्रे एंड माइटी हीरोज स्टम्बल्ड फ्रॉम द फॉर्मर टाइम टिल नाउ कॉज दे वॉक्ड इन द स्टबर्नेस ऑफ देयर हार्ट हेवनली वॉचर फेल कॉज दे डिड नॉट कीप द कमेंड्स ऑफ गॉड दीज पीपल वर कंपेयरिंग द जेरूसलम लीडरशिप विद द वॉचर दे डिड कीप द कमेंडमेंट्स ऑफ गॉड perverted them, they did not keep the commandments of God, but they perverted them. Herod means hero. Josephus लिखता है कि जैसे वो वॉचर आए, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय में, और वो गिर गए, स्त्रियों के संग व्यभिचार किया और उन्होंने एक नई ब्रीड पैदा की, उनसे भी ज़्यादा करप्ट हो गए यरूशलम के अगुए, बिल्कुल उसी तरह पाप और बदकारी में गिर गए ये लोग, और इन्होंने यहोवा के भवन के अंदर गंदगी डाल दी। और लिखता है कि सिडर ट्री की तरह ये गिर गए। पढ़िए एक वचन, अमोस नबी की पुस्तक, अमोस नबी की पुस्तक उसके 2 अध्याय में से एक वचन पढ़ता हूँ। अमोस चैप्टर नंबर 2 एंड वर्स नंबर 9 सुनिए। एक्सक्यूज मी, येट इट वॉज आई हु डिस्ट्रॉयड द एमोराइट। ये अमोरी कौन है? ये सारे के सारे फॉलन सीड हैं, शैतानी बीज है इनके अंदर। आपको मालूम परमेश्वर इब्राहिम से क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय पढ़िएगा पूरा, जिसमें परमेश्वर इब्राहिम के साथ यूनिलैटरल कवनेंट बांधता है। कवनेंट का मतलब होता है दो पक्षीय, बायलैटरल। लेकिन यहोवा इब्राहिम को सुला देता है और यहोवा खुद वाचा बांधता है इब्राहिम के साथ। तो उसमें यहोवा क्या कहता है कि तेरी कौम 400 साल गुलाम ठहरेगी, जाके 4 पीढ़ियां। क्यों? क्योंकि अमोरियों के पाप का घड़ा अभी भरा नहीं। ये एमोराइट कौन है? ये वही फॉलन है, गिरा हुआ बीज है शैतानी, उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय का। इनके पाप का घड़ा अभी भरा नहीं, यहोवा इनको सजा देगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है येट इट वॉज आई हु डिस्ट्रॉयड द एमोराइट बिफोर देम हुज हाइट वॉज लाइक द हाइट ऑफ सिडर। ये जो पढ़िए 9 वचन Amos 2:9, ये जो एमोराइट लोग हैं ये हाइब्रिड हैं, ये शैतानी बीज हैं, ये ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये मिक्स्ड ब्लड हैं। और इनकी जो ऊंचाई है ये इतने लंबे हैं ट्रीज के जितने लंबे हैं। पढ़ लीजिए Amos 2:9, पढ़िए हिंदी में क्या लिखा है। सिडर जो है ना, सिडर अंग्रेजी में इस दरख्त का नाम है सिडर। ये जो दरख्त है ये 200 300 फुट ऊंचा होता है, होता था,
होता है। इतनी हाइट थी इन लोगों की, पढ़िए यहां पे अमोस 2:9 में, ये जो हाइब्रिड शैतानी बीज था। परमेश्वर यहोवा ने लेवी व्यवस्था में इसराइली लोगों को सेक्सुअल प्योरिटी, सेक्सुअल रिलेशनशिप कितना प्योर होना चाहिए, सेक्स आउटसाइड मैरिज यहोवा ने प्रोहिबिट किया, शादी के बाहर सेक्स जो है वो श्राप है, शादी से पहले शादी के बाद भी, या तो वो अडल्ट्री है या फर्निकेशन है, शादी से पहले फर्निकेशन है, शादी के बाद अडल्ट्री है। क्यों परमेश्वर ने लेवी व्यवस्था में इतनी इतने ज़्यादा आज्ञाएं दी और इसराइलियों को सिखाया कि सेक्सुअल प्योरिटी को मेंटेन करना है? क्यों? सेक्सुअल प्योरिटी ब्लड लाइन को मेंटेन करती है। अगर आप सेक्सुअली प्योर नहीं हो, आपकी ब्लड लाइन करप्ट हो जाएगी, आपकी ब्लड लाइन में शैतानी बीज आ जाएगा, कर्स आ जाएगा, श्राप आ जाएगा, आपकी आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चे लानत के नीचे आ जाएंगे। पेज 133 जोसेफस अपनी बुक में लिखता है कि ब्लड लाइन की प्योरिटी इज एब्सोल्यूट, और क्या लिखता है, दे प्रोफेन्ड द टेम्पल एंड दे लेड विद विमेन विद ब्लडी डिस्चार्ज। क्या लिखता है यहां पे? लिखता है कि पेज नंबर 133 पे जोसेफस की पुस्तक बुक ऑफ एंटीक्विटी बुक नंबर 1 पेज नंबर 133 वो इसराइली टेम्पल के अगुओं और लेवी पुरोहितों के विषय में लिखता है, वो औरतों के संग लेटते थे जब औरतों को डिस्चार्ज भी हो रहा होता था। आपको मालूम ये मेंसुरेशन का जो ब्लड है इसके अंदर कितना कितना गहरा भेद है, जो औरत के मेंसुरेशन का ब्लड है। आपको मालूम जितने प्राचीन कल्ट थे, शैतानी काम करने वाले लोग, जादूगरी करने वाले लोग, जब औरत मेंसुरेट करती है उसके अंदर से ब्लड आता है, वो उस ब्लड को इकट्ठा करते थे और उसे जादूगरी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। वो ब्लड को लोग पीते थे, उसे अमृत समझा जाता था। कई अकल्ट में, कई जादू टूना करने वाली जो पुरानी पद्धतियां हैं शैतानी, उसके अंदर। तो प्रभु ने इसके ऊपर कितनी प्योरिटी लेवी व्यवस्था पुस्तक में और गिनती की पुस्तक में भी है, जो इतना अधिक परमेश्वर, एक पुस्तक पूरी लिख दी परमेश्वर ने इसके ऊपर, क्योंकि प्रभु को पता है अंधकार की ताकतें, शैतानी ताकतें इन चीजों को इस्तेमाल करेंगी और परमेश्वर के लोगों को एजुकेट करना, शिक्षित करना जरूरी है। देखिए क्या लिखा है यहां पे, एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए। यहां पे लिखा है ए मैन, लेवी व्यवस्था उसका 20 अध्याय का 27 वचन पढ़ रहा हूं, सुने ध्यान से। ए मैन और अ वुमन हु इज अ मीडियम और अ नेक्रोमेंसर शैल श्योरली बी पुट टू डेथ। एक औरत जो जादू करती है, टूना करती है, आत्माओं को बुलाती है, ऐसी औरत को पत्थर मार मार के मारना है, उसको मार देना है। दे शैल बी स्टोन्ड विद स्टोन्स, पत्थरों से उनको मार दिया जाएगा। देयर ब्लड शैल बी अपॉन देम, और उनको पत्थर से मारा जाएगा तो उनका खून उनके ऊपर ही रहेगा, मारने वालों के ऊपर उनका खून नहीं लगेगा। और इसी चैप्टर में अगर आप पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में इसके 18 वचन से, ये जो 20 अध्याय में पढ़ रहा हूं, इसी 20 अध्याय के 18 वचन 16 वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर सेक्सुअल प्योरिटी की बात करता है। परमेश्वर बता रहा है कि जब एक औरत को साइकिल है, वो किसी की पत्नी भी है, तो पति को उसके संग संबंध नहीं बनाना है, फॉर द सेक ऑफ प्योरिटी, फॉर द सेक ऑफ होलीनेस, फॉर द सेक ऑफ प्योरिटी ऑफ वर्शिप, फॉर द सेक ऑफ पर्सनल होलीनेस, फॉर द सेक ऑफ ब्लड लाइन, फॉर द सेक ऑफ मेंटेनिंग हाइजीन, फॉर द सेक ऑफ कीपिंग योर बॉडी हेल्दी एंड नॉट फॉलिंग सिक। समझ रहे हैं आप? हालेलुया। लेकिन जो शैतानी मजहब थे पुराने समय के, शैतानी जादूगरियां, वो मेंसुरेट करती औरत के संग टेम्पल के अंदर फिजिकल रिलेशन बनाते थे, सेक्स करते थे मेंसुरेट करती वुमन के साथ।
ये काम किया। आपको मैं बताना चाहता हूं, आपने सुना होगा फ्री मेसनरी के विषय में। आवाज नहीं आ रही है आपको? मेरी आवाज आ रही है? प्लीज बताइए। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हालेलुया, आवाज आ रही है अब आपको मेरी? प्लीज बताइए। लेवी व्यवस्था 20:18, 20:16, ये सब वचन पढ़िएगा आप। जो फ्री मेसनरी लोग हैं, अकल्टिक लोग हैं, जादू करते हैं, और एक औरत थी जिसका नाम था मैडम हेलेना ब्लोवास्की। मैडम हेलेना ब्लोवास्की, वो उस औरत ने हिंदू शास्त्रों का भी अध्ययन किया था, इस्लाम का भी अध्ययन किया था, वो बाइबल भी बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो जितने प्राचीन कल्ट हैं, सुमेरियों के, कसदियों के, अकेडियन के, बेबलोनियन के और इजिप्ट के, सब जादूगरी की पद्धतियों को जानती थी, और उस औरत ने ही फ्री मेसनरी शुरू किया, हेलेना हेलेना ब्लोवास्की। आप को शायद मालूम हो या ना हो, उस औरत ने बुक्स लिखी हैं जादूगरी पे बहुत जबरदस्त। वो बाइबल को भी बड़ी गहराई से जानती थी। उस औरत ने इंडिया में, हमारे देश में, उस समय एक लेडी थी जिनका नाम था मिसेस एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो थी, इंदिरा गांधी उनका बहुत आदर करती थी, जवाहरलाल नेहरू भी बहुत आदर करता था, बहुत लर्नड लेडी थी वो। एनी बेसेंट हेलेना ब्लावात्स्की की चेली थी, और उसने इंडिया में थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना की। थियोसॉफिक सोसाइटी, वही कल्ट जादूगरी फ्री मेसनरी वाला। जितने पॉलिटिकल अरीना में लोग होते हैं, राजनीति में, जितने लोग फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं, जितने लोग बहुत बड़े बड़े कॉरपोरेट बिजनेस करने वाले होते हैं, इनमें से ज्यादा लोग इनके संग जुड़े होते हैं, क्योंकि वो जो जादूगरी की पद्धतियां हैं फिल्म स्टारों को मशहूर करती हैं। जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं कॉरपोरेट, उनके पास अंधाधुंध पैसा आता है। जो सियासी नेता होते हैं उनको ताकत मिलती है लोगों पर राज करने की, इसलिए ये इन लोगों का शैतानी धर्म है। सुन ले ध्यान से। तो हमारे देश में भी, हिंदुस्तान में भी थियोसॉफिक सोसाइटी एनी बेसेंट ने बनाई, जो कि हेलेना ब्लोवास्की की चेली थी। हेलेना ब्लोवास्की का आगे चेला था अमेरिका में एलियास्टर क्रॉली। मैंने इन सब चीजों का बहुत गहन अध्ययन किया है जो मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आप पढ़ेंगे, एलियास्टर क्रॉली की पुस्तकें पढ़िए आप, डेमस्कस डॉक्यूमेंट पेज 158 पढ़िएगा। तो आपको पता लगेंगी शैतानी पूजा पद्धतियां कैसे ये जो फ्री मेसनरी हैं, ये लोग जब बच्चा पैदा होता है और औरत जो ब्लीड करती है, उस ब्लड को ये लोग नेक्टर मानते हैं, अमृत मानते हैं। उसे बहुत सारी अकल्टिक कामों में उस ब्लड को यूज किया जाता है। आपको मालूम एलियास्टर क्रॉली ने क्या लिखा है अपनी पुस्तक के अंदर, मॉरल एंड डॉगमास में? वो लिखता है, सुने ध्यान से क्या कहता है वो। वो कहता है, इफ अ मेल चाइल्ड इज बॉर्न, कहता है, द ब्लड ऑफ द वुमन इज वेरी प्रेशियस इन दीज डेज। मेल चाइल्ड फॉर सेक्रीफाइस इज बेस्ट, बट फीमेल इज डिजायरेबल। एलियास्टर क्रॉली, 33 डिग्री फ्री मेसनरी कैन नाउ सी ऑल थिंग्स। आफ्टर यू ड्रिंक द ब्लड दैट वुमन रिलीजेज ड्यूरिंग गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और द ब्लड दैट शी रिलीजेज थ्रू हर मेंसुरेशन, इफ यू ड्रिंक दैट ब्लड, यू नो दीज गाइज आर लाइक वैम्पायर्स, लिविंग वैम्पायर्स।
दे से दैट यू विल गेट द एनलाइटनमेंट. 33 डिग्री की इनिशिएशन के लिए, 33 डिग्री को इनिशिएट किया जाता है, एक पदवी है उनकी, उसके लिए ये रिचुअल करना जरूरी होता है. इट्स अ सैटेनिक रिचुअल. और परमेश्वर का कलाम देखें क्या कहता है. ब्लड, परमेश्वर का कलाम बताता है कि ब्लड को पीना, ब्लड ड्रिंक करना एक बहुत बड़ा सिन है. ब्लड पीना मतलब डीएनए पीना. लॉरेंस गार्डन नाम का एक ब्रिटिश फ्री मेसनरी है, वो पेज नंबर 118 के ऊपर लिखता है. क्या लिखता है? ओरिजिनल स्टार फायर नेक्टर, ओरिजिनल स्टार फायर नेक्टर, सेक्रेड वेमेन, सेक्रेड वेमेन, सेक्रेड वेमेन वो बोलते हैं हार्लट्स को, जो टेंपल के अंदर वेश्याएं होती थी, उन्हें सेक्रेड वेमेन कहा जाता था. तो वो जब मेंसुरेट करती है उनका ब्लड वो पीते थे, और इसे वो कहते हैं स्टार फायर. स्टार फायर वो बिलीव करते हैं एनुनाकी, एनुनाकी ब्लड लाइन की औरतें. ये खैर मैं और सब्जेक्ट शुरू कर रहा हूं. तो वो ब्लड पीते हैं वो, जो कि एक शैतानी काम है. हालेलुया. तो ये अकल्टिक जो लोग हैं वो ये काम. मैं एक वचन देता हूं आपको पढ़ें. मैंने आपको अमोस 2:9 में दिखाया कि ये लोग जो जायंट थे ये कितने कितने लंबे हुआ करते थे. अमोस 2:9 पढ़ के देख लीजिएगा, उनके विषय में लिखा है. अब मैं आपको देता हूँ वचन आइजाया, यशाया की किताब, उसका 59 चैप्टर निकालें. यशाया 59, यशाया 59, और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ वर्स नंबर 5. सुने क्या लिखा है यहाँ पे, जो मैं बात बता रहा हूँ एशकेलॉन की, एशडॉड, गाजा, 5 वो सिटीज जो जेनेटिकली म्यूटेशन के लिए, जहाँ पे हाइब्रिड तैयार किए जाते थे, जहाँ पे सीड को मिक्स किया जाता था. शैतान कैसे बीज को मिक्स करता है? शैतान झूठी शिक्षा लाता है, फॉल्स टीचिंग, फॉल्स डॉक्ट्रिन, फॉल्स अपोसल को खड़े करता है, फॉल्स प्रॉफिट को खड़े करता है, परमेश्वर के कलाम के ऊपर झूठे कलाम को सुपर इम्पोज करता है. वो लगता परमेश्वर का कलाम है. लेकिन भाई और बहनों, वो परमेश्वर का कलाम होता नहीं, उस कलाम पे शैतानी कलाम को सुपर इम्पोज किया होता है. सुने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्स नंबर 5, आइजाया 59 वर्स नंबर 5, यशाया 59:5, यहाँ पे लिखा, दे हैच एडर्स एग्स, दे वीव स्पाइडर्स वेब, ही हु ईट्स देयर एग डाइज, एंड फ्रॉम वन दैट इज क्रश्ड ए वाइपर इज हैच्ड. देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ये जेनेटिक मैनिपुलेशन है. पढ़ लीजिएगा इस वचन को, यशाया 59 का 5, यशाया 59:5 वचन. यहाँ पे सांप के अंडे, अजगर के अंडे, उनका जिक्र किया जा रहा है. ये जो एग को हैच किया जा रहा है ये हाइब्रिड है, हाइब्रिडाइजेशन. एशकेलॉन के 5 शहरों में वो लोग शैतानी विधियों से नफलीमों के बीज को तैयार कर रहे थे, हाइब्रिड तैयार कर रहे थे, शैतानी दैंतों को तैयार करते थे ताकि वो इसराइल के विरुद्ध लड़ाई करें. आपको मैं बता रहा हूँ कि 13 अध्याय प्रेरितों के काम के 19 वचन में लिखा है, वो 7 ऐसी कौमें शैतान ने तैयार की जिन्होंने इसराइल की मीरास पे कब्जा कर लिया. यहोवा परमेश्वर ने जब इब्राहिम से कहा ये सारी धरती में तेरे, तुझे और तेरी संतान को दूंगा, और ये परपेचुअल इनहेरिटेंस है तेरी संतान का, तेरी आने वाली नस्लों के लिए सदा की मीरास हैं, तो शैतान ने उसी समय अपना बीज वहां तैयार करना शुरू कर दिया. और 7 एंट्री पॉइंट थे कनान देश के अंदर, वायदे की धरती जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, वहां दाखिल होने के लिए 7 एंट्री पॉइंट थे. 7 के 7 ऊपर ये शैतानी बीज बैठा हुआ था. प्रेरितों के काम 13:19 में लिखा है यहोवा ने उनको मारा, उन हाइब्रिड को, उनका बीज नाश किया.
और यहोवा ने इज़राइल से कहा, इनके संग कोई भी दोस्ती मत रखना, इनके संग मैरिजेस मत करना, वरना ये शैतानी बीज तुम्हारे भी जीवन में आएगा। एश्कलोन में शैतानी सेप्टर था, सुने मेरी बात ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को। गिनती की पुस्तक उसके आप 24 अध्याय में चलिए, गिनती की पुस्तक का 24 अध्याय और उसका मैं आपको देता हूँ 17 वचन, सुने गिनती की पुस्तक 14:17 में क्या कहता है यहाँ पे नबी। ये झूठा नबी है, इसका नाम है बिलाम, लेकिन इसे ये इज़राइल को श्राप देना चाहता है, लेकिन जब भी ये इज़राइल को श्राप देने की कोशिश करता है यहोवा परमेश्वर उसे बरकत में बदल देता है। सुने 16 वचन से पढ़ता हूँ मैं, बल्कि 15 से पढ़ता हूँ। बिलाम का ओरेकल है ये, एंड ही टुक अप हिज डिस्कोर्स एंड सेड द ओरेकल ऑफ बेलम सन ऑफ बियोर द ओरेकल ऑफ द मैन हुज आई इज ओपन, कहता बियोर के पुत्र बिलाम का दर्शन है ये। The oracle of him who hears the words of God and knows the knowledge of the Most High, he who sees the visions of the Almighty, falling down with his eyes uncovered. कहता है कि जो परमेश्वर के शब्दों को सुनता है, जो अति पवित्र परमेश्वर का ज्ञान रखता है, जो महाप्रतापी का दर्शन देखता है, जिसकी आँखें खुली हैं, और क्या कहता है, I see him, मैं उसे देखता हूँ, but not now, पर अभी नहीं। I behold him but not near, मैं उसे देख तो रहा हूँ पर अभी नहीं देख रहा, उसे देख रहा हूँ लेकिन वो मेरे निकट नहीं है, दूर है। A star shall come out of Jacob, यकूब में से एक तारा निकलेगा, यकूब में से एक तारा निकलेगा। A scepter shall rise out of Israel, एक डंडा निकलेगा, राजदंड। Scepter समझते हैं आप क्या होता है, राजे के हाथ का राज दंड होता है सेप्टर। इट शैल क्रश द फोर हेड ऑफ मोआब एंड ब्रेक डाउन द सन्स ऑफ शेथ, राज दंड निकलेगा, राज करने वाला दंडा, डंडा। ये राज करने वाला दंडा भाई और बहनों जो यहोवा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि यहूदा के हाथ में रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, और ये दंडा राज दंड कभी दूर नहीं होगा, यहूदा में से हमेशा राजा पैदा होते रहेंगे। हमेशा यहूदा में से राजा लोग पैदा होंगे। तो सुनिए एक वचन मैं पढ़ता हूं आपके लिए, यशाया 49 का वर्स नंबर 10, सॉरी यशाया नहीं, उत्पत्ति में से पहले पढ़ता हूं, उत्पत्ति 49 वर्स नंबर 10, उत्पत्ति 49:10, सुने ध्यान से। द सेप्टर शैल नॉट डिपार्ट फ्रॉम जूडा नॉर द रूलर स्टाफ फ्रॉम बिटवीन हिज फीट अंटिल ट्रिब्यूट कम्स टू हिम एंड टू हिम शैल बी द ओबीडियंस ऑफ हिज पीपल, कहता है कि जब तक शिलो ना आए, शिलो है खुदावंद यीशु मसीह, शिलो एक शहर का नाम भी है लेकिन शिलो खुद खुदावंद यीशु मसीह है, जब तक शिलो ना आए तब तक राज दंड यहूदा के हाथ में ही रहेगा। यीशु मसीह यहूदा के गोत्र का बब्बर शेर है, यीशु मसीह यहूदा में से निकला राजा है जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, हालेलुया, और अनंत काल तक राज्य करेगा वो। कौन? खुदावंद यीशु नासरी, और राजदंड उसके हाथ में रहेगा। तो मैं आपको एक और सेशन में बताऊंगा ये राजदंड कैसे शैतान के हाथ में जाता है। पाप की वजह से भाई और बहनों, पाप की, परमेश्वर हमें राज्य करने के लिए बुला रहा है लेकिन जब हम पाप में गिरेंगे, गंदगी में गिरेंगे, हमारे हाथ से राज्य छीन लिया जाएगा और वो सेम राजदंड शैतान के लोग अपने हाथ में ले लेंगे। समझ रहे मेरी बात आप? आपको मालूम, मैं प्रभु से पूछ रहा था कि प्रभु बताइए शैतान की शक्ति का स्रोत क्या है। यीशु मसीह की शक्ति का स्रोत था पवित्र आत्मा, प्रेरितों के काम 10:38 में लिखा है, यीशु मसीह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा काम करता था। हमारी सामर्थ्य का स्रोत है पवित्र आत्मा, तो शैतान की सामर्थ्य का स्रोत क्या था? आपको मालूम शैतान की सामर्थ्य का स्रोत क्या है? शैतान को ऊर्जा कहां से मिलती है, शक्ति कहां से मिलती है? प्रभु ने मुझे बताया
जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं, जब कलीसिया पाप करती है, जब परमेश्वर के अगुए पाप करते हैं, वो पाप शैतान के लिए पावर हाउस है। शैतान हमारे पाप से ऊर्जा लेता है। जब परमेश्वर के लोग पाप करते हैं, उससे शैतान को एनर्जी मिलती है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? आपके पाप के कारण शैतान जयवंत होगा और मजबूत होगा और सामर्थी होगा और शक्तिशाली बनेगा। सुनिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूं नहेमिया की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। नहेमिया की पुस्तक के 13 अध्याय में से पढ़ता हूं और उसका 23 वचन से। नहेमिया 13:23, सुने। नहेमिया 13:23 से नहेमिया 13:25 तक पढ़ रहा हूं। इन दोज डेज ऑल्सो आई सॉ जूज हु हैड मैरिड ऑफ एशडॉड, एमनॉन, मोआब, एंड हाफ देयर चिल्ड्रन स्पोक द लैंग्वेज ऑफ एशडॉड। ये एशडॉड क्या है? एश्कलोन का हिस्सा है, शैतानी एरिया है ये। दे कुड नॉट स्पीक द लैंग्वेज ऑफ जूडा बट ओनली द लैंग्वेज ऑफ ईच अदर। देखिए शैतान ने क्या किया है, इनको खींच लिया, इनको जूश लोगों को, क्योंकि इन्होंने इन औरतों से शादी की है, शैतानी औरतों से। तो इनकी भाषा छीन ली शैतान ने, इनकी आइडेंटिटी, इनकी पहचान छीन ली शैतान ने। तो 25 वचन में, एंड आई कन्फ्रंटेड देम एंड कर्स्ड देम एंड बीट सम ऑफ देम एंड पुल्ड आउट देयर हेयर। सुने नहेमिया क्या कहता है? नहेमिया कहता है, मैंने उनका सामना किया, उनको कर्स दिया, कर्स किया, कर्स यहूदियों को, और कईयों को मारा मैंने, कईयों के बाल खींचे। आई मेड देम टेक एन ओथ इन द नेम ऑफ गॉड सेइंग यू शैल नॉट गिव योर डॉटर टू देयर सन। मैंने उनको कसम खिलाई कि तुम अपनी बेटियां इनसे नहीं ब्याहोगे। मैं हैरान होता हूं, मसीह लोग पता नहीं कैसे अन्य जातियों में अपनी बेटियां ब्याह देते हैं। उन मसीह लोगों की मसीहत की जड़ों के ऊपर मुझे शक होता है। शक नहीं, मैं कंफर्म हूं कि वो मसीह को नहीं जानते। वो अन्य जातियों में अपनी बेटियां देते हैं, अन्य जाति की बेटियां अपने घर लाते हैं, क्योंकि वो प्रभु को नहीं जानते। यहां पे क्या लिखा है? मैंने कसम खिलाई सेइंग यू शैल नॉट गिव योर डॉटर्स टू देयर सन्स और टेक देयर डॉटर टू योर डॉटर फॉर योर सन्स फॉर योर सेल्फ। पढ़े, आगे पढ़ लेना आप क्या क्या लिखा सुलेमान के विषय में। ये शैतानी बीज लाता है शैतान आपके जीवन में, शैतानी बीज। यहां पे शैतानी प्रैक्टिसेस थी, शैतानी काम थे। हालेलुया। तो मैं एक और वचन देता हूं आपको, पढ़िए मेरे संग जकरिया नबी की पुस्तक। जकरिया नबी की पुस्तक, उसका आप पढ़िए चैप्टर नंबर 9। जकरिया, मलाकी से पीछे की ओर जाएंगे तो जकरिया मिल जाएगा आपको। जकरिया का चैप्टर नंबर 9, सुने, वर्स नंबर 1 से पढ़ता हूं। क्या कहता प्रभु? द ओरेकल ऑफ द वर्ड ऑफ द लॉर्ड इज अगेंस्ट द लैंड ऑफ हेदरैक एंड डेमेस्कस इन इट्स रेस्टिंग प्लेस फॉर द लॉर्ड हैज एन आई ऑन मैनकाइंड एंड ऑन ऑल द ट्राइब्स ऑफ इज़राइल। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? कि यहोवा की आंखें हैं इज़राइल के ऊपर। हालेलुया। क्या कहता प्रभु? यहोवा की आंखें इज़राइल की एक एक गोत्र पे हैं। और डमस्कस क्या है? डमस्कस, डमस्कस इज द रेस्टिंग प्लेस, डमस्कस इज द रेस्टिंग प्लेस। यहां पे सेक्रीफाइस किया जाएगा। एक पुस्तक है, उसका नाम है डमस्कस डॉक्यूमेंट। एक पुस्तक है, आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। वहां पे लिखा है उसके पेज नंबर 132 में कि बिलियल शैल बी अनलीश्ड अगेंस्ट इज़राइल एज ही स्पोक बाय आइज़ाया सन ऑफ एमज। बिलियल का मतलब है शैतान। डमस्कस डॉक्यूमेंट पेज नंबर 132 कि बिलियल अर्थात शैतान रिलीज किया जाएगा इज़राइल के विरुद्ध में। फिर लिखा है एज ही स्पोक बाय आइज़ाया सन ऑफ एमज, टेयर पिट स्नेयर। टेयर का मतलब जंगली बीज आएंगे और खड्डे और जाल, तीन चीजें लाएगा शैतान।
जंगली बीज बोएगा, खड्डा खोदेगा और जाल बिछाएगा। थ्री नेट्स बाय विच ही कैचेज इज़राइल, ये तीन जाल हैं जिनके द्वारा वो इज़राइल को पकड़ता है। कैसे कैसे? बीज बोएगा जंगली, उन असली बीज के ऊपर जंगली बीज डाल जाएगा। झूठा कलाम भाई और बहनों, झूठा कलाम, झूठा कलाम, ट्विस्ट किया कलाम, तोड़ा मरोड़ा गया कलाम, कलाम को गलत ढंग से प्रपेश किया जाएगा, तोड़ मरोड़ के लोगों को दिया जाएगा। और जंगली बीज, जंगली बीज शैतानी बीज, जनाकारी हरामकारी गंदे काम, और खड्डा, खड्डा भाई और बहनों, खड्डा और जाल बिछाया जाएगा। यरूशलम जो था यीशु मसीह की आमद के समय बीलियल के अंडर था, शैतान के नीचे था। जुबली की पुस्तक पढ़िएगा, वहां पे क्या लिखा जुबली की पुस्तक में, लेट नॉट द स्पिरिट ऑफ बीलियल रूल ओवर देम दैट अक्यूज देम टू एनस्नेयर देम फ्रॉम ऑल द पाथ ऑफ राइचसनेस। बीलियल अर्थात शैतान का रूह क्या करता है, राइचसनेस के, धार्मिकता के मार्ग पे चलने नहीं देता है। यहोवा का आत्मा है और बीलियल शैतान का आत्मा है। जुबली 15 अध्याय के 32 वचन में लिखा है कि जुबली 15 के 32 में लिखा है, ओवर इज़राइल गॉड डिड नॉट अपॉइंट द वॉचर बट द स्पिरिट ऑफ द एंजल फॉर ही रूल्स ओवर इज़राइल। इज़राइल पे यहोवा राज करता है, दुनिया की कौमों के ऊपर वॉचर राज करते हैं। 70 वॉचर, उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 11 अध्याय में मैंने आपको कई बार बताया। हालेलुया। तो क्या लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय उसके 14 वचन में, दूसरा कुरिन्थियों, जल्दी से पढ़ें, दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय निकालिए, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर नंबर 6 और उसका 14 वचन से क्या कहता है प्रभु का वचन। प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, दूसरा कुरिन्थियों 6:14 से क्या कहता है, डू नॉट बी अनइक्वली योक्ड विद अनबिलीवर्स, अन्य जाति के लोग अविश्वासियों के संग आसमान जुए में मत जुतो। फॉर व्हाट पार्टनरशिप हैज राइचसनेस विद लॉलेसनेस, धार्मिकता का अधार्मिकता से क्या मेल है। व्हाट फेलोशिप हैज लाइट विद डार्कनेस, ज्योति का अंधेरे के संग क्या मेल है। व्हाट अकॉर्ड क्राइस्ट हैज विद बीलियल, मसीह का शैतान के संग क्या रिश्ता है। व्हाट पोर्शन डज अ बिलीवर शेयर विद अनबिलीवर, एक विश्वासी का अविश्वासी के संग क्या रिश्ता है। व्हाट एग्रीमेंट हैज द टेंपल ऑफ गॉड विद आइडल्स, यहोवा के मंदिर का हैकल का मूर्तियों के संग क्या रिश्ता है। वी आर द टेंपल ऑफ द लिविंग गॉड, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, प्रभु कहता है मैं उनके बीच में रहूंगा, उनके बीच में चला फिरूंगा, उनका परमेश्वर ठहरूंगा, वो मेरी प्रजा ठहरेंगे। इसलिए क्या कहता है प्रभु, 17 वचन पढ़ें, उस गंदगी से बाहर निकल आओ, अलग हो जाओ, अशुद्ध चीजों को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तब मैं तुम्हारा पिता ठहरूंगा, तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां ठहरोगे। भाई और बहनों, अगर आप गंदगी अंधकार के कामों में अन्य जाति के बीच में मिक्स होके जी रहे हैं, पता नहीं लग रहा कि आप कलीसिया हो या अन्य जाति हो, तो भाई और बहनों आपका प्रभु के संग कोई रिश्ता नहीं है। आप दोगला जीवन जी रहे हो, आप अन्य जाति के सारे काम करते हो, उनके बीच में ऐसे मिक्स होके रहते हो, और कोई प्रभु की विधियां, प्रभु के हुक्म, प्रभु की वाचा, प्रभु के नियम, प्रभु की ज्योति, प्रभु के काम, प्रभु की पवित्रता, प्रभु की शुद्धता, प्रभु के मार्ग, प्रभु के पथ आप जानते ही नहीं हो, आपका प्रभु के संग कोई रिश्ता नहीं है। आप एक फ्रॉड जीवन जी रहे हो, फ्रॉड लाइफ। तो भाइयों और बहनों, ये शैतान की योजना है कि आपके अंदर हाइब्रिड बीज बोए। वो कई तरह से बोएगा, मैंने तीन चीजें बताई कि वो स्नेयर, जाल बिछाएगा, खड्डा बिछाएगा और जंगली बीज लेकर आएगा परमेश्वर के लोगों को गिराने के लिए। तो आइए हम अपना जीवन चौकसी से जिएं और उनमें से बाहर निकल आएं। वो दुनिया के रीति रिवाज, दुनिया की परंपराएं जो सब आप मनाते हो, गैर कौमों की शादियों में जाके फिल्मी गीत लगा के आप भंगड़े करते हो, उनकी तरह सारे रीति रिवाज मनाते हो, तो काय के विश्वासी हो मेरे भाई आप। तो आपको तो ये वचन समझ ही नहीं आया जो मैंने अभी दिया है, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 14 से लेकर 17 तक।
ये वचन तो आपके जीवन में नहीं है ना, तो काहे के विश्वासी हो भाई, दिखावे के बनावटी, दो जीवन नहीं जी सकते आप। आप दुनिया को खुश कर रहे हो और प्रभु को भी खुश करना चाहते हो, इट विल नॉट वर्क। छोड़ दें वो रीति रिवाज, परंपराएं, वो काम जो प्रभु की ओर से नहीं है, प्रभु के लिए जिए। हालेलुया, प्रभु हम आपके जलाली नाम की महिमा करते हैं। प्रभु आपका सच्चा कलाम मैंने बांट दिया प्रभु जी, मैं सच्चे कलाम को दिनों रात सिखाता हूँ लोगों को और प्रार्थना करता हूँ आंसुओं के साथ, टूटे दिल के साथ खुदावत, ताकि इनमें से किसी के लहू का लेखा मुझे ना देना पड़े, ये अपने लहू का लेखा खुद देंगे। अगर सच्चा कलाम सुन के भी लोग दोगला जीवन जिएंगे तो फिर प्रभु आपके सामने है उनका जीवन, आप ही न्याय करेंगे। मैं प्रार्थना करता हूं कि तेरे लोग सच्चा जीवन जिए तेरे लिए। एक टांग संसार में, दूसरी टांग आपके राज्य में नहीं, बल्कि मुकम्मल रीति से आपके राज्य में जिए। ऐसी करुणा, ऐसी दया इनके जीवन पे करें खुदावन। हालेलुया, ऐसी करुणा करें खुदावन जी, ऐसी दया करें खुदावन जी अपने लोगों के ऊपर, सच्चा जीवन आपके लिए जीने के लिए, आपके लिए अग्नि से भरा जीवन जीने के लिए, आपके लिए प्रभु जी जलन से भरा, लाइफ दैट इज फुल ऑफ जील जीने के लिए इनकी सहायता करें। मैं आपका खून इन लोगों पे छिड़कता हूँ खुदावन। हालेलुया, आपके नाम की महिमा हो प्रभु, ताकि आपके लोग चंगे हो जाएं, रोग बीमारियां लानतों के जुए टूट जाए इनके जीवन से। करुणा करें प्रभु एक एक जन के ऊपर, मेरे ऊपर भी दया करें, मेरे ऊपर भी दया, मेरे घराने पे भी दया करें दयालु परमेश्वर। मैं अपने आप को, अपने घराने को आपके लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ। जितने ऑनलाइन है इस समय, एक एक पे तेरा खून छिड़कता हूँ। तेरे नाम की महिमा हो खुदावंद, यीशु मसीह तेरे जलाली नाम के वसीला से इस दुआ को हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज मैं कोशिश करूंगा 2 बजे कि हम लाइव करें, वीडियो लाइव, और एक और जबरदस्त सेशन परमेश्वर के कलाम से करें। तो प्लीज़ 2 बजे सब लोग जुड़िएगा, मैं बीच में आपको मैसेज भी डालूंगा और हम और परमेश्वर के वचन को सीखेंगे और संगति करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे, सबको जय यीशु मसीह की।